नमस्कार आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिश्री हिलर में स्वागत है आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र पचास साल है उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है इनका क्वेश्चन ये है कि सर मैं बिल्डर हूँ और मुझे पचास साल के बाद का जानना है कि मेरी लाइफ में कितने उतार चढ़ाव हैं केस हैं क्या मेरे को कोई फंसा सकता है मैं फंस सकता हूँ उन केस जो चल रहे हैं उनका क्या होगा वो भी बताइए अब याद रखना ये जो वीडियो बना रहा हूं ना इसमें एडवांस पामिस्ट्री बहुत जबरदस्त तरीके से है बहुत जबरदस्त तरीके से है इसमें क्योंकि ये हाथ आम हाथ है नहीं ये हाथ आ, में कुछ ऐसे चिन्ह है देखो ये वो चैनल है ही नहीं जो ये कह दे कि अरे इनकी ये एक हृदय रेखा जो है वो ऐसे चल रही है वैसे ये हाथ है चीज़ों को पकड़ने वाला और एडवांस पामिस्ट्री का कि उसको एक एक जीवन में गतिविधियाँ इस हाथ को और एक और वीडियो आ रहा है उसको मैंने उनकी लाइफ में एक एक गतिविधि को अलग कराया कि इनका प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ कौन सा प्रोजेक्ट शुरू हुआ कौन सा ख़त्म हुआ कौन सा क्या हुआ जितने याद रखना मेरी लाइफ में जिसके जितने ज्यादा प्रोजेक्ट होते हैं ना जिसके जितने ज्यादा कंपनियां होती हैं उस हाथ को देखने में मुझे बड़ा मजा आता है जिसका फैला हुआ बिजनेस होता है ना बहुत मजा आता है बहुत मजा आता है एक एक काम एक एक काम एडवांस पेमिस्ट्री उसी में तो आती है और किस में आती है एक एक काम कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ केस को अलग रखूंगा इसको अलग रखूंगा सब बताऊंगा कब पार्टनर मिले कब पार्टनर खत्म हुए सब अरे जब मैं फॉर्म में होता हूं ना बहुत बहुत और ऐसे हाथों में जितने अमीर आदमी होंगे ना उनके हाथों को पढ़ने में हाँ हाँ हा मजा बड़ा आता है बहुत मजा आता है ठीक है ना क्यों क्योंकि उनके हाथों की जो फॉर्मेशन दूर से समझ आती है दूर से दूर से ठीक है ठीक देखो यहां ना आपने करना क्या कुछ नहीं करना होता एक्चुअल में ना आपने इस फॉर्मेशन को पकड़ लो अब याद करो ये फॉर्मूला क्या कहता हूं मैं ये कहता था आपको ये नौकरी के लिए या किसी के लिए अब ये व्यक्ति कर बिजनेस रहे हैं तो आपको ये प्रोजेक्ट्स के लिए समझना है ये प्रोजेक्ट्स के लिए ये इंटरसेक्ट कर रहा है ये रेखा ठीक है यहां से आपने अलग चीजों को बताना शुरू कर देना ये पामिस्ट्री को फार्मूला वही रहेगा याद रखना फार्मूला ये वही रहेगा लेकिन हमें समझ आनी चाहिए कि कब से काम शुरू हुआ और कब क्या क्या चीजें हो रही हैं देखो ध्यान से समझना इन इन ये वाली गतिविधियों को समझो अब मैंने क्या करा मैंने एक दो तीन चार इनको मैंने अलग कैटेगरी में डाल दिया एक दो तीन चार समझ रहे हो अब यहां पर मुझे ये देखना है कि कब से काम शुरू करा इन्होंने मैंने कहा इक्कीस साल से मैंने कहा बाईस से आपने ना लैंड परचेस करनी शुरू कर दी थी ये देखो ये मैंने कहा अब कैटेगरी बांधी एक दो तीन चार ये चार कैटेगरी बांध दी मैंने मैं देखो एक एक प्रोजेक्ट अलग करूंगा अब क्योंकि मैं क्या देख रहा हूं मैं तो यहां पर सारे साइन देख रहा हूं ना मैं तो यहाँ पर सारे साइन देख रहा हूँ मैं ये देख रहा हूँ कि भैया कि ये कब से शुरू हो रही हैं चीज़ें ये एक तरक्की का साइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक चल रहा है ये और ये कब डेड हो रहा है ये कब आ रहा है ये देखो यहाँ पर एक साइन और पड़ा है और रखा हुआ है ठीक है तो मैं तो सब पकडूंगा यहाँ पर मैं तो सब पकडूंगा तो मैंने यहाँ पर लगाया कि सर आपकी ये वाली जो लाइन है यहाँ से जो शुरू हुई अब ये कहाँ तक जा रही है ये ये छब्बीस तक जा रही है ठीक अब मैंने कैसे पकडूंगा इसे इसे छब्बीस तक कैसे पकड़ूंगा कौन सी रेखा कब तक डेड हो रही है कब क्या हो रही है बड़ा आसान है बहुत आसान है यह एडवांस कमिस्ट्री है यहां पर इसे बड़ी तसली से समझना चाहिए और मैं समझाऊंगा आपको ठीक है अब समझना ये रेखा यहां तक पच्चीस जा रही है यह छब्बीस है छब्बीस है अब ये रेखा यहां पर जो आई है यह छब्बीस साल पर आई है यह आई है अब इस पर एक रेखा आकर फॉक बनाकर ये और ये यहां पर चली कब से यह क्या था इक्कीस ये क्या है बाईस तो अब मैंने कहा बाईस से ये चीजें जो चल रही हैं ना ये छब्बीस साल तक आपकी चली एक कैटेगरी मैंने बांध दी बाईस से छब्बीस ठीक है अब फिर मैं तेईस पर आया मैं तेईस पर आया मैंने तेईस वाली चीज पच्चीस तक रखी एक प्रोजेक्ट तेईस से पच्चीस पे फिर मैं चौबीस पे आया ठीक है मैं वहां पर ये देखो ये चौबीस पर आया ठीक है अब मैं चौबीस वाली रेखा को मैं यहां पर डिफाइन करूंगा उनतीस साल तक करूंगा उनतीस साल तक करूंगा और एक मैं आऊंगा पच्चीस वाला इसे मैं तीस साल तक करूंगा ये देखो ये समझ रहे ये रेखा यहां पर आई और ये इकतीस से मैं कह दूंगा इनका काम जो है अपना काम की रूपरेखा बदलती इन्होंने अब यहां तक ये यह लैंड का काम कर रहे थे लेकिन यहां पर आकर इन्होंने अपना हाई राइस का काम शुरू कर दिया कितना आसान है यार कितना मजा आता है इन चीजों को देखकर कि एक रेखा को कैसे समझ के समझ कैसे समझ लिया यार ठीक है तो आपको समझ है मैंने कहा सर आपका जो है इक्कीस से काम शुरू करा बाईस से अब मैं आपने पैरल काम ने लैंड लेनी शुरू करी और उसमें जो है बाईस से छबीस तेईस से पच्चीस चौबीस से उनतीस एक चला है और पच्चीस से एक तीस चला लेकिन वो जो इकतीस में जो काम आपने हाई राइस का शुरू करा लेकिन जो काम आपने पच्चीस पे किया था ये वाला जो काम किया था समझते रहना देखो ये ये रेखा जो चली थी ये रेखा आगे जा रही है ये रेखा जा रही है आगे तो मैंने कहा कि सर अब मुझे ये बताओ कि लास्ट आपका तेतीस तक आपने वोला काम फिर भी लैंड वाला कर रहे थे नहीं कर रहे थे जी मैं कर रहा था यानी पैरल काम आ गए शुरू क्या बढ़िया तरीके से सब चीजें यहां पर रखी हुई हैं और वहीं रुको उसी साल में रुको वहीं सब कुछ पता चलेगा अब यह रेखा आपको सिखाई गई है मंगल रेखा सिखाई गई है कि ये आपके बचाव के लिए अरे मैं तो यहाँ पे पार्टनर के लिए भी देखता हूं अरे रे मैं तो यारे जिसने आपको ये देखो यहाँ पर बहुत गतिविधियां होती बहुत गतिविधियां एक एक लाइन को तोड़ के रख सकता हूं कि ये एक एक लाइन क्या कह रही जितने ज्यादा जितना ज्यादा आदमी का काम फैला होता है ना बड़ा मजा आता है हाथ को देखने में बहुत मजा आता है एक-एक गतिविधियों को समझा और जिन फिर यही तो हाथ होते हैं जिससे आप तभी सीख सकते हो ये वो चैनल ही नहीं है भाई ये वो चैनल नहीं है गुरु पर्वत पे ये कहना वो कहना ना ना ये तो मैं कंपेटेबिलिटी देख रहा हूं भाई इनके इनकी लाइफ की तरक्की के जो है चीजें देख रहा हूं इन्हें कहते हैं मल्टीपल जो है इनकम्स एक से जगह दूसरी दूसरी से तीसरी ये होती हैं चीजें ये एक बिजनेस नहीं होते इनके ये हाथ वो होते हैं लाइफ टाइम का है इनका ठीक है एनी अभी तो मुसीबतें भी बहुत है इनके हाथ में छोटी मोटी चीजें थोड़ा है मुसीबतें भी है ये चीज समझ आई जी तो अब हमने देखना है कि ये जो टाइम पीरियड आया ये ठीक है अब मैंने यहां पर देखा कि भाई ये देखो एक साइन बना हुआ है यहां से इंटरसेक्ट कर रहा है ये रेखा अच्छा ठीक है भैया यहां से इन्होंने अपनी चीजें शुरू कर दी ठीक है यहां आ गया समझ आ गई आ गई आ गई अब मैंने कहा चौंतीस ये बोला तैतीस चौंतीस मैंने कहा ये चौंतीस से लेकर छत्तीस साल तक आपने ना बाइंग करी है कोई चीज खरीदी है समझ रहे हो ये छत्तीस और मैंने कहा सैंतीस से, से एक नई आपने फिर चीज शुरू करी है कोई प्रोजेक्ट या कुछ और मैंने कहा फिर आपने उनतालीस पर एक ना कोई 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 बाइंग करी है तो इन्होंने कहा कि सर मैंने एक खरीदी बनी बनाई बिल्डिंग खरीद ली थी देखो बाइंग में पूरी की पूरी बिल्डिंग उनतालीस साल पर खरीद ली थी क्या कहोगे इन हाथों को जब आपको यह गतिविधियां मालूम हैं यह आपको मालूम है कि यह क्या चीजें चल रही हैं तो क्या नहीं होगी लाइफ में कंपैटिबिलिटी को देखो यहां पर देखो मैं ये देख रहा हूं एक 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 अरे भाई ये जब एक निशान बन गया है तो और उसकी कंपैटिबिलिटी देखो ना यार स्वास्थ्य की कंपैटिबिलिटी देखो मैं स्वास्थ्य पे खुश नहीं हो रहा मैं स्वास्थ्य पे खुश नहीं हो रहा मुझे स्वास्थ्य बनने से क्या होगा भाई उसके अब आप, आपको गतिविधियां भी तो समझ आनी चाहिए कितना पैसा देगी कब नहीं देगी कब दिखते आएंगी कब नहीं होगी यह भी तो है ठीक है तो इनको भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ठीक ठीक अब देखो इसको थोड़ा जूम करके देखें इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड से यहां पर कुछ गतिविधियां चल रही हैं यहां से आकर ये मैंने यहां पर कहा मैंने कहा सर इस साढ़े अट्ठाईस साल से और इकतीस साल से आपने पार्टनर जोड़ने शुरू करें जी शुरू करें मैंने कहा एक साढ़े अट्ठाईस में पार्टनर जोड़ा था वो थर्टी नाइन तक चला था आपका कह रहे यस मैंने कहा एक आपने जोड़ा था थर्टी फोर पर वो फोर्टी फाइव तक चला था यस ये कैसे बता रहा हूँ मैं मैं इन रेखाओं को पढ़कर बता रहा हूँ इन रेखाओं को पढ़कर भाई यहां से कनेक्शन निकल रहा है ये एक कनेक्शन निकल रहा है मुझे पता है इनका मतलब क्या है भाई समझ रहे हो अभी तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ इनके हाथ में ये जो केस से रिलेटेड चीजें होती हैं ना आप कहते हो कि ये रेखा, ये रेखा ये रेखा ये रेखा और ये रेखा आड़ी रेखा ये फंसाने वाली और ये निकालने वाली ये सब आप आपको बेवकूफ बनाते हैं एक्चुअल में ये है कैटेगरी ये कब आपकी लाइफ में केस बनेगा आपके खिलाफ कब क्या होगा ये डार्क रेखाएं बनाई है इसे कहते हैं एडवांस पामिस्ट्री मैंने यहां से निकाली है इनके मैंने कहा सर अब केस के बारे में बताते हैं फिर आपके पार्टनर के बारे में बताएंगे मंगल रेखा पार्टनर के लिए आपके लिए आई हुई है और उसके बाद फिर हम बताते हैं आगे तो ऐसे निकालते हैं हर एक एक चीज को ठीक है ये चे समझ आई जी आई अब देखो यहां से मैंने देखा ये उनतालीस आया था ठीक है अब मैं यहां पर देख रहा हूं कि इसी के साथ साथ कुछ रेखाएं क्या कर रही हैं भाई फिर शुरू हो रही है मैं जूम करके दिखा रहा हूं ना आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूं मैंने कहा उनतालीस चालीस से इन्होंने कोई काम शुरू करा इसकी कंपेटिबिलिटी को देखते हुए यार उनतालीस चालीस से इन्होंने एक काम और शुरू करा ठीक है थीके? जो कि चवालीस साल तक चला है चवालीस साल तक चला तो फिर मैंने उसकी कैटेगरी निकाली भैया यहां पर निकालो इसको निकालो यस इसकी कंपेटेबिलिटी को देखो और ये एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये का, आगे काम जरूर मिलेगा चवालिस वाला चवालिस वाला काम भी इन्हें जरूर मिलेगा क्योंकि ये रेखाएं आगे इसके साथ जुड़ रही हैं ये रेखाएं है जुड़ रही हैं और इन्होंने एक और क्वेश्चन पुट अप करा था कि सर एक प्रोजेक्ट मेरा जो है बहुत नंबर तीन का प्रोजेक्ट बड़ा स्लो चल रहा है नंबर तीन का प्रोजेक्ट इन्होंने कहा सर बहुत स्लो चल रहा है वो कब कंप्लीट होगा वो कब कंप्लीट होगा वो ये है प्रोजेक्ट फिफ्टी टू पॉइंट टेन पर ठोक बजा करो फिफ्टी टू पॉइंट टेन पर कंप्लीट होगा ठोक बजा कर ठीक है छियालीस और सैतालीस साल मैंने कहा सर छियालीस और पर एक काम आपने लिया और वो काम पर आपके बर्डन और एक्सपेंडिचर और आपका काम करने का तरीका चेंज कर लिया आपने बताओ ये चीज भी मैंने बोली है काम करने का तरीका चेंज करा क्यों क्योंकि अब यहीं से ये रेखाओं ने क्या करा ये रेखा यहां डेड हो रही है छियालीस पर डेड हो रही है समझते रहना छियालीस पर ये डेड होने के बाद अब इस रेखा ने क्या करा अपना अंदर के कामों को यानी यहाँ पहले जब हम आए थे तभी अंदर शुरुआत में भी अंदर के काम पे चल रहे थे यहाँ पर और यहाँ पर भी आ गए तो मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है ये काम तो लैंड से रिलेटेड होता है तो इन्होंने अपने फॉर्मेट को कैसे चेंज कर दिया सर एक्चुअल में मैं ना यहाँ पर अपने लैंड वाले काम पर भी आ गया था मैंने फॉर्मेट ही चेंज कर दिया ही अब देखो छियालीस पर और सैतालीस पर मैंने कहा एक छियालीस और सैतालीस पर ना आपने काम शुरू करा है पहले तो चौवालीस वाला काम जो है चालीस से चौवालीस साल वाला मैंने कहा यहां पर आपने चीजें करी थी सर मैंने एक हॉस्पिटल बनवाया था चालीस से चौवालीस मैंने कहा लेकिन इसे छोड़ना मत यह काम आगे, आपको आगे मिलेगा क्यों क्योंकि क्यों, क्यों? मैं क्या देख रहा था यह एडवांस पामिस्ट्री का यह जो टुकड़ा है ना ये इसके साथ आगे जा रहा है यहाँ तक जा रहा है ये उसी के साथ जुड़ा हुआ है सर उन लोगों ने कहा है कि इसको ना आप अमेंडमेंट करके बढ़ा कर ना आप इस काम को इस उसको थोड़ा सा और हॉस्पिटल को ये चीज़ें को बढ़ाओ ये सारी चीज़ें करो तो वो चीज़ भी होगी इनकी लाइफ में मैंने कहा तिरपन साल तक चलेगा देखो अब कैसे चीज़ों को पकड़ लेते हैं वो तो ये पकड़ में आती हैं एडवांस पंप अरे ये कैसे रेखा इस रेखा ने इस रेखा के साथ जुड़ा जो जोड़ रखा है ये रेखा यहां पर जारी है ये यहाँ पर बावन तिरपन साल का ये टाइम पीरियड है तिरपन पर बावन से दोबारा काम शुरू करेंगे ये कोई और प्रोजेक्ट करेंगे बावन ये बावन और ये तिरपन अब देखो ये जो रेखाए चल रही हैं ये नीचे चल रही है ये इंटरसेक्ट कर रखी है ये फंसने वाले काम हैं ये फंसने वाले काम है देखो छियालीस सैतालीस यहां से मैंने कहा कि इनकी लाइफ में बर्डन आना शुरू हो गया बर्डन मैंने क्यों कहा देखो समझो ये रेखा जैसे ही आई है ना इसने ना फेट लाइन का एक, एक फॉर्मूला बना दिया था गुरुत्व भार रेखा मैंने कहा यार ये यहाँ पर इंटेंशन इसका कलर अलग है ये गुरुत्व भार ये इनको बहुत ज्यादा ना फंसा के रख रही है छियालीस साल से इनकी ना लाइफ में दिखते जो है ना वो बढ़ रही हैं वैसे तो उनतीस साल उनतालीस साल से बढ़ी हैं अड़तीस साल सात महीने से वो भी बताऊंगा कैसे वो केसों को समझा कर ठीक है ये आम पाम रीडर कर ही नहीं सकता अरे मेरे चैनल पर आकर तो देखो तब तब आप, आप उन लोगों को कह रहा हूँ उन पाम रीडर्स को कह रहा हूँ ठोक बजा के कहता हूं एक बारी समझो तो सही ना आपको समझ आ जाए और इन व्यक्ति से जाकर पूछो कि एक साल भी गलत हुआ हो एक महीना भी गलत हुआ हो तो मैं पामिस्ट्री छोड़ दूंगा इतना इतना कॉन्फिडेंस हूं मैं इतना जितने ज्यादा फैले हुए काम होंगे ना हजार करोड़ दो हजार करोड़ उन वाले कामों को पकड़ना आ मजा आता है मजा आता है ठीक है नहीं तो आप क्या कहोगे अरे यार इनका ना तार नहीं है तार वो एक चैनल है ऐसी ऐसी रेखाओं को कहता है तार नहीं है ये मेहनत बहुत करेंगे कमाने में दिक्कत आएगी अरे इन्हें पता ही नहीं है कि इसकी कंपेटेबिलिटी क्या ये कितनी रेखा कमा कर देती है पता ही नहीं ठीक है एनी ये anyway. इसे समझ आई अब देखो यहाँ पर था छियालीस सैंतालीस मैंने कहा यार ये रेखा यहीं से एक्टिवेट हो रही है और यहीं से इनको ना और ये रेखा नीचे भी जा रही है नो छियालीस सौ सैंतालीस से एक्सपेंडिचर बर्डन फॉर्मेट चेंज ये फॉर्मेट चेंज का निशानी है मैंने कहा यहाँ पर होनी शुरू हो गई है आप देख लो और ये जो काम आपका था जो आपने चालीस से चौवालीस साल वाली जो चीज़ें थी वहाँ से ही वो एक और आपको काम देंगे जो कि तिरपन साल तक चलेगा आपका वो हाँ सर उन्होंने दिया है अभी और वो मेरे से कह रहे हैं कंप्लीट करने के लिए तो ठीक है ठीक है ओके अब यहां पर जो मैं चीजें कह रहा हूं छियालीस पर अब इस रेखा को मैंने पकड़ लिया ठीक है अब मैंने ये कहा कि यार ये जो है यहां पर आकर डेड हो रही है तो ये यहाँ डेड हो रही है यार ये बावन तिरपन वो बैठ बैठ रहा था ये बावन साल दस महीने आ रहा है ठीक है मैक्सिमम बावन साल दस महीने ठीक है तो बावन साल दस महीने तक ये प्रोजेक्ट जो है इनका जो नंबर तीन वाला जो प्रोजेक्ट जो मेरे से कह रहे हैं वो खत्म होगा स्लो डाउन है बहुत ज्यादा ये चीज जी आ गए। अब बात आती है इस फॉर्मूले पर ये देखो एक्चुअल में इनको ना सिरदर्दी दे रहा है एक पार्टनर और मैंने इन, ये पकड़ के कहा था मैंने कहा सर एक इकतीस साल का कौन सा ऐसा पार्टनर है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है हाँ जुड़ा हुआ है मैंने कहा वो दिक्कत दे रहा है कह रहा हैं हाँ मेरे को भी पता है कह रहा है इन्होंने भी वर्ड बोले मुझे भी पता है कि वही है दिक्कत देने वाला वो व्यक्ति कैसे मैं कह रहा हूँ और मेरे को पता है ये, ये सारी चीज़ें जो इन ये फंस रहे हैं अभी बताऊँगा केस ये वाले केस जो हैं मैं बताऊँगा कि ये क्या इंडिकेशन्स हैं ये ये भी मैं क्लियर करूँगा ठीक है एनीवे तो मैंने क्या कहा आपकी लाइफ में एक एक चीज को पकड़ में आई जा सकती है अगर आप हाथ पढ़ना जानते हो तो ये तो आपको आप लोगों को तो समझ भी नहीं आएगी ये कैलकुलेशंस कैसे करनी है कैसे पकड़ते हैं क्या, है, क्या है क्या नहीं बट लेकिन समझाने का एक तरीका है कि भाई ये यहां से यहां तक डेड हो रही है इसी के साथ जुड़ी है ये रेखा है यहां फॉर्मेट चेंज है ये आपने हाथ पड़े हैं तभी तो समझ आ रहा है जैसे पढ़े ही ना होंगे तो समझ कैसे आएगा मैं जब हाथ पढ़ता हूं मुझे समझ आ जाता है हाथ में इनके जिंदगी में चल के आ रहा है क्वेश्चन बताओ क्वेश्चन की तहत तक पामिस्ट्री हीलर पहुंचेगा डेफिनेटली पहुंचेगा अभी एक और हाथ आ रहा है उसमें भी ऐसी चीजें एनी वे ये चीज समझ आई जी आई अब देखो छियालीस ठीक है सैंतालीस अब यहां से ये चीजें चल रही हैं अड़तालीस उनचास ये उनचास साल गलत गलत पूछो उनसे सर उनचास साल में केस से रिलेटेड चीज बता देना अरे एक ना एक वकील ने मेरे पर ना केस कर दिया था पांच लाख रुपए देना पड़ा था ठीक है एनी anyway, वे ठीक है अब मैं यहाँ पर चीजें पकड़ रहा हूँ मैं अलग करके दे रहा हूँ अब यहां पर थोड़ा सा केस से रिलेटेड चीजें देख लें चलो वो भी देख लेते हैं ठीक देखो हम ऐसे यह यहां तक पहुंच चुके हैं हमने यह भी बता दिया कि तिरपन तक आप वोला काम तिरपन तक करोगे बावन से एक काम शुरू करोगे बावन से एक काम शुरू करोगे अब यह काम एक्चुअल में ये, ये जो पार्टनर है ना यह दिक्कत देंगे क्योंकि इनकी कनेक्टिविटी इनके साथ टच है इनके साथ टच है ये इकतीस से चीजें चल रही ठीक है थीके? और ये रेखा भी यहीं पर बार 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 यहीं आकर डेड हो रही है यहीं आकर डेड हो रही है यहीं आकर डेड हो रही है ठीक है ये देखो आप ये ध्यान से समझना ठीक है एक रेखा ये यहां पर देखो इसका कनेक्शन और ये एक ज्वाइंट चल रहा है ये ज्वाइंट चल रहा है फिर उसके बाद एक जॉइंट ये चल रहा है बस आपने कुछ नहीं करना वहीं वहीं रुकना है और फिर उसका कनेक्शन को पकड़ते चलना ये रेखा ये, देखा, ये, देखा ये है, एक ये रेखा का कनेक्शन ये आ रहा है एक का ये आ रहा है एक का ये आ रहा है अच्छा अच्छा तो ऐसे ही तो हमने उनके पकड़ के बताया था कि कौन से साल पर कौन सी रेखा और कौन से साल पर कौन सी रेखा मैंने कहा ना एक पैंतालीस पर आपका जो है ख़त्म हुआ होगा एक पार्टनर हाँ पार्टनर पैंतालीस पर खत्म हुआ होगा फिर मैंने कहा कि सर एक जो है यहां से आपका शुरू हुआ होगा ठीक है यहां से शुरू हुआ ये चौंतीस साल था चौंतीस से लेकर यहाँ तक चला है ओहो अच्छा अच्छा इसका मतलब ये मंगल मंगल रेखाएं सबको उल्लू बनाने के लिए दी गई हैं भाई इसका मतलब क्या मंगल रेखा का क्या मतलब क्या है आपके बेनिफिट के लिए आ रही है आप आप ये बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के बेनिफिट के लिए आपकी सहायक रेखा बन के आ रही है आपको बचाने के लिए आ रही है यानी यहीं पर उन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने पार्टनरशिप करनी है उन्हीं के साथ पैसा मिलाकर इन्होंने करना है तो पैसा मिलाया नुकसान होना उनके साथ नुकसान आपके साथ नुकसान आप उनके साथ फायदा आपके साथ फायदा और वहाँ दिखते यहाँ दिखते तो वो रेखा मंगल रेखा ही तो होगी जब यहां पर हम सिंगल व्यक्ति कोई काम करता है तो इस पर जो रेखा टच होती है तो वो काम वो कहता हूं बाइंग कर ली अब यहां पर कोई पार्टनर के साथ आएगी रेखा तो बट नेचुरल है यहां पर आएगी ये रेखा ओ हो आ गई समझ तो लॉजिक को समझो और लॉजिक को समझ के ये एडवांस पॉमिस्ट्री है इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक आ गई समझ तो मैं तो इन इन रेखाओं के मतलब को बहुत अच्छे ढंग से समझ जाता हूँ बहुत अच्छे ढंग से समझता हूँ एनी anyway, अब मैंने कहा कि यहां पर यह दिक्कत आएगी आपको ध्यान रखना है यह है एक्चुअल में तो है तिरपन साल सात महीने से लेकर चौवन साल एक दिक्कत आएगी ठीक है जो मेजर आएगी पचपन साल तक और लेकिन बीच में अट्ठावन साल तक आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा अब उसकी भी कैलकुलेशन समझ लो ठीक है उसके बाद फिर मैं आपको केस के बारे में बताऊंगा ठीक अब हमने कहा कि ये त्रेपन है ये बावन है ठीक है मैं क्या कर रहा हूं इसकी कंपेटिलिटी को छोड़ ही नहीं रहा ठीक है मैं इसकी हैिटी को नहीं छोड़ रहा मैं इसकी नहीं छोड़ रहा ठीक है यानी जहां पर यह रेखा रुकी है ना आप वहां की कैलकुलेशन निकाल लो और यह बता दो कि यहां से लेकर यहां तक क्या चीजें चलेंगी बस खत्म बात ठीक है ये समझ आ गई जी आ गई तो आपको समझ है कि कौन सी रेखा कौन से साल तक चलनी है अब देखो ध्यान से समझना ये एक टाइम पीरियड है ए ये देखो ये जो टाइम पीरियड है ये ये टाइम पीरियड है ये है साठ और इकसठ का ये एक रेखा ने इस रेखा ने इस रेखा को टच कर रखा है ठीक है ये देखो कर रखा है जी पतली होके टच कर रखी है कर रखिए कुछ नहीं करना आपने कुछ भी घबराने की जरूरत ही नहीं है ये एक लैंड से रिलेटेड चीजें जो हैं इंडिकेट कर रही है और यहां से लेकर अब आपकी लाइफ में चीजों को आप पढ़ना शुरू कर दो बताना शुरू कर दो और इनकी लाइफ में केस से रिलेटेड चीजें जो हैं वो भी आगे चलना शुरू हो जाएंगी ठीक है ठीक वो भी बताते हैं अब देखो केस को कैसे पकड़ते हैं इन एडवांस पामिस्ट्री से मैंने यहां पर यह एक चीज देखी ठीक है इनका एक कनेक्शन देखा यह रेखा को पकड़ा ये इंटरसेक्ट कर रही है इस रेखा को अब यह जब भी होती है तो यह क्या आती है लड़ाई झगड़े की रेखाए होती हैं ये सारी चीजें होती हैं ठीक है थीके? अब इन्हीं रेखाओं पर कुछ रेखाएं जिस ढंग से काली रेखा चल रही है उसे अलग पकड़ो और जो रेखा जैसे ये रेखा यहां पर आई है ये रेखा कटी है एक रेखा यह कटी है एक रेखा ये कटी है तो ये इनके मेजर पॉइंट होंगे इनकी लाइफ में तो अब हम शुरू करते हैं इनकी लाइफ का तो देखो अब हमने क्या करा हमने कहा कि इनकी लाइफ में साठ और इकसठ साल ठीक है इकसठ साठ उनसठ अट्ठावन सत्तावन छप्पन पचपन चौवन तिरपन बावन इक्यावन पचास उनचास अड़तालीस सैंतालीस देखा सैंतालीस छियालीस पैंतालीस चवालीस तैतालीस अब देखो सबसे पहले तो हम जहाँ पर मैं रुक रहा हूँ तैतालीस पर रुक रहा हूँ आप समझते रहना अब मैं तरतालीस से आगे जाऊँगा और इस रेखा का मतलब मैंने एक तैंतालीस शुरू करा देखो दो रेखाएँ चल रही हैं तैरतालीस पर समझते रहना ये यहां देखो तरतालीस पर एक रेखा ने यह करा और एक ये बयालीस पर थोड़ी सी आके इस रेखा को यहां से इस रेखा ने काटा तो अब मैंने यहां पर दो कैटेगरी निकाल दी तैतालीस पर एक रेखा को फिनिश करवाया और यहां से आगे चल रहा हूं देखो तैरतालीस बयालीस इकतालीस चालीस उनचास चालीस के बाद उनतालीस देखो यहां पर इसे छोड़ रहा हूं आ गई अब यहीं मैंने बोला मैंने कहा अड़तीस साल सात महीने से एक केस शुरू हुआ था आपकी लाइफ में हां सर हुआ था अड़तीस साल सात महीने से ये एडवांस पॉमिस्ट्री है उसी साल को पकड़ने के तरीके बता रहा हूं कि कैसे ऊपर से रिवर्स पामिस्ट्री क्या होती है और ये 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 वाली मैंने कहा यहां मुझे बताइए यहां क्या हुआ था और उस उसी केस का संबंध मुझे बताइए में साल में क्या हुआ था उसी केस का संबंध क्योंकि फिर मैं क्या कर रहा हूं मैं यहां पर आया ना ये ये उनतालीस तो मैं ये चालीस मैंने कहा यहां क्या हुआ ये देखो ये रेखाएं ये देखिए ये डार्क होनी शुरू हो गई मैंने कहा बताना चाह रहा उसका क्या हुआ था सर वो क्या हुआ था उसके लड़के का मर्डर हो गया और उन लोगों ने मेरे ऊपर ना मर्डर का केस लगाने के चक्कर में ना यहां पर केस कर कर दिया लेकिन वो मेरे मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले ये नहीं मिला अब ये क्या है क्या है ये उसी साल का केस कैसे पकड़ लिया मैंने कैसे पकड़ लिया यानी आपको पता है कि कौन सी चीजें कौन सी रेखाओं के साथ चल रही है ठीक है फिर मैं आया चालीस इकतालीस बयालीस फिर यहां तिरतालीस आऊंगा तो बयालीस पर सर बयालीस पर ये बयालीस ये और तैरतालीस पर जरा बताना क्या चीजें हुई थी एक केस हाँ यहां पर भी हुआ था एक ठीक है और वो तैरतालीस पे फिनिश क्योंकि दो रेखाएं थी हाँ 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 वो तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि वो रेखा तैतालीस वाला फिर ये रेखा डार्क थी ये कहां जाकर खत्म हो रही है उसको पकड़ लो अब ये देखो ना यहां तैतालीस था ना चौवालिस पैंतालीस छियालीस सैंतालीस अड़तालीस तो ये यह साल तक चला था ये आप माइंड लाइन के टुकड़े को समझ रहे हो ना ऐसा नहीं वो डार्क रेखा के कलर को पकड़ो उसको पकड़ो यस अभी और भी है नीचे अभी और भी है नीचे सर कब तक मैंने क्या बोला इनको अट्ठावन साल तक जो है चीजें जो हैं वो इनकी इनको तंग करेंगी और वही करेंगी अब ये रेखा साठ साल तक चल रही है यानी कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी में भी विवाद आएगा और इसको भी समझना है अब ये अड़तालीस था मैंने कहा उनचास ये देखो उनचास पे एक वकील ने इनसे पैसे ठग लिए पाँच लाख रुपये एक दो करोड़ का ठीक है यानी आप ये सोचो कि फिर मैं कह रहा हूँ अभी पचासवा साल है यहाँ भी अगले महीने तक यहाँ पर भी दिक्कत है हाँ सर कुछ ना कुछ एक केस का आने वाला है कुछ दिनों के अंदर इसमें भी दिक्कत आ रही है कुछ ना कुछ यहाँ भी छोटी मोटी दिक्कत आ सकती है लेकिन ये डार्क रेखाएं हैं इनको समझना जरूरी होता है तो मैं ये क्या कह रहा हूँ आपको आपको पता होना चाहिए कि ये रेखाओं का इसकी कैलकुलेशन अरे मैं तो बहुत मैं तो एक एक रेखा को पकड़ सकता हूँ एक एक रेखा को पकड़ सकता ठीक है तो ऐसे नहीं देखते कोर्ट के यहां पर अगर ये रेखा है ये मैंने लिख दिया वो चैनल है वो ये कहता है एक चमकती रेखा होती है आपको कोई कुछ नहीं कह सकता ये चमकती रेखा बचा लेगी कोर्ट से अरे फिर इतनी सारी डालने की क्या जरूरत है और इन रेखाओं के साथ ये डार्क करने की क्या जरूरत थी बताओ ना एक एक साल की गतिविधियां बताओ ना तब मानू कि आप पाम रीडर हो नहीं हो आप खोखले हो ठोक बजाकर YouTube पे बोलता हूं खोखले बैठे हैं खोखले सब लोग इसकी इन एडवांस पामिस्ट्री को समझना बहुत 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 ज्यादा जरूरी होता है फिर इनकी कैलकुले कैलकुलेशंस को पकड़ो कब कौन सा बिजनेस कब चलेगा ये बॉक्स बने हुए हैं कौन सा कौन सा काम कब तक चलेगा उसके बाद फिर कब और आगे चलेगा कब इनको काम बदलना है अरे एक एक कैलकुलेशन मैंने बता रखी है इनकी लाइफ में बत्तीस मिनट हो चुके हैं बत्तीस मिनट और ये ये कैलकुलेशंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है तो मैं आपकी लाइफ में थोड़ा सा क्लियर करके बता देता हूँ अब कि ये क्या है एक थोड़ा सा टाइम पचास साल वाला जो है आपका ये थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है लेकिन अब जो एक हॉस्पिटल से रिलेटेड काम है वो आप डेफिनेटली uh, तिरपन साल तक जो है वो पूरा हो जाएगा आपका और बावन साल से एक एक प्रॉपर्टी आप परचेस करना चाह रहे हो एक प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हो लेकिन जो आपने अभी छियालीस सैंतालीस वाला जो काम था जो मैं ये कह रहा था इस टाइम पीरियड से आपने जो शुरू करी हैं ये ये छियालीस और सैंतालीस ईयर इस टाइम पीरियड से जो चीज़ें शुरू करी हैं और जो दिखते आ रही थी इसी टाइम पीरियड पर आपने कहा कि मैंने ना एक समुंदर किनारे जो एक प्रोजेक्ट था वो मेरा फंस गया था और अब मैं उसे दोबारा शुरू करना चाह रहा हूँ तो मैंने कहा कि थोड़ा सा कॉन्शियस रहना इन चीजों को क्यों क्योंकि पहला जो प्रोजेक्ट नंबर तीन वाला है उनचास से लेकर बावन साल दस महीने तक वो आपका कंप्लीट हो जाएगा लेकिन दिक्कतें आएंगी एक दिक्कत आपको तिरपन साल सात महीने से लेकर यानी फिफ्टी थ्री पॉइंट सेवन से लेकर फिफ्टी फोर पर इंडिकेट होगी और वो चलेगी फिफ्टी एट तक कुछ ना कुछ परेशानियों से झेलना पड़ेगा आपको ठीक है यहां पर आपके पार्टनर से प्रॉब्लम आपको केस से फंसाना कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में पीछे पड़ा हुआ है जो आपको तंग कर रहा है और ये आप भी एडमिट कर रहे हो और मैं भी कह रहा हूँ मुझे इन रेखाओं का ज्ञान है इसलिए मैंने इन चीज़ों को बता दिया अब इतना खोल कर मैं आपको नहीं समझा सकता मैं तो एक रेखा के अंदर पढ़ना शुरू कर दूंगा फिर तो मैं घुसी जाता हूँ उसके अंदर एनी anyway, वे अब कोई व्यक्ति है और वो भी इकतीस साल वाला व्यक्ति है जो इकतीस साल से पार्टनर था वही तंग करता हुआ दिखाई दे रहा है उस पर थोड़ा सा देख लेना वकील की तरफ इंफॉर्मेशन जाना आपके जब भी मिलने जाओ कोई भी कुछ करो अकेले जाओ हर चीज का ध्यान रखना इन चीजों के लिए क्यों अब से मैं इतना सतर्क हूं क्योंकि मंगल रेखा अब इस वक्त आपका साथ नहीं दे रही है ये अब टूट के चल रही है तो देगी बट लेकिन अब उसकी जो 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 जो, जो गहराई है वो खत्म हो चुकी है इसलिए अब थोड़ा सा इसलिए मैं बच के कह रहा हूँ हर चीज़ को मैं बच के कह रहा हूँ आपकी लाइफ में कि उस तरफ बच के चलें तभी आपकी लाइफ जो होगी वो ठीक चलेगी ठीक है यहाँ पर दिक्कत आएगी आपको वो लैंड से रिलेटेड या कोई चीज़ से रिलेटेड उन चीज़ों का ध्यान देना है ये चीज़ समझ आ गई जी आ गई अब ये बावन साल ये तिरपन साल बावन से लेकर यहां तक का जो है सफर आपने जो है वो काउंट करके दे, बता देना है कि सर ये अट्ठावन साल तक का जो सफर है ये दिक्कत देगा फिर आप साठ साल से जो है चीजें जो हैं वो साठ साल से तिर साठ साल से लेकर आपका टाइम पीरियड पैंसठ साल पैंसठ साल तक सिक्सटी फाइव तक आपकी लाइफ में एक रेखा चल रही है ये सिक्सटी फाइव की एक सिक्सटी सेवन की एक सिक्सटी एट की तो अब इसकी कैटेगरी समझ लो ये क्या है साठ से साठ से एक काम शुरू करोगे जो कि सिक्सटी सेवन तक चलेगा लेकिन एक काम आप पकड़ लोगे उसी काम में आप अमेंडमेंट करोगे वो करोगे साठ पर पैंसठ यानी दो काम शुरू करने हैं साठ से साठ से लेकर सिक्सटी सेवन तक साठ से लेकर पैंसठ तक अड़सठ में दिक्कत सिक्सटी एट में दिक्कत और फिर सेवेंटी इसमें दिक्कत और फिर सेवनटी से लेकर सेवेंटी थ्री तक काम सही चलेगा सेवनटी थ्री से 77 सेवन स्लो डाउन चलेगा ये है इन सब की कैलकुलेशन की एक जड़ जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ तो यानी यहाँ कैटेगरी समझा देता हूँ वीडियो लंबा बन रहा है मैं बता देता हूँ आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ साठ से आपने एक काम दो काम पकड़ने हैं ठीक है सिक्सटी सेवन तक चलेगा एक काम एक सिक्सटी फाइव तक चलेगा ठीक है सिक्सटी एट में दिक्कत आएगी यह अच्छा समय नहीं है सेवेंटी से एक प्रोजेक्ट शुरू करोगे ठीक है सेवेंटी से शुरू करोगे सेवेंटी थ्री तक लेकिन अब मैंने सेवेंटी ईयर में भी दिक्कत देख ली और एक्चुअल में सेवेंटी सेवन तक आपने वर्क करना है लेकिन मैं यहां कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करवाना चाह रहा आपका यानी कोई भी प्रोजेक्ट यहां पर लिया फंसते जाएंगे फंसते जाएंगे फंसते जाएंगे स्लो डाउन है फंसते जाएंगे ठीक है ये चीज समझ आ गई जी अब आपकी पचास साल से आगे की लाइफ को एक बारी रिव्यू कर लेते हैं ठीक है आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं देखो पचास साल के बाद पचासवें साल पर एक दिक्कत ठीक है बावन साल से आपने एक प्रोजेक्ट को पकड़ना है और पुराना वाला जो हॉस्पिटल वाला जो चवालीस में छोड़ा था आपने वो जो है तिरपन तक आप कंप्लीट कर लोगे बावन से एक काम शुरू करोगे ये काम जो है साठ साल तक तो चलता चल, चलता रहेगा पैरल में पैरल चल चलता रहेगा इसकी कोई दिक्कत नहीं ठीक है ये रेखाएं यहाँ पर करिए इसकी कोई दिक्कत नहीं अब इसी टाइम पीरियड में ये जो आपका प्रोजेक्ट नंबर तीन जिसका प्रोजेक्ट बताया था ये फिफ्टी टू पॉइंट टेन तक कंप्लीट हो जाएगा ये स्लो डाउन ना जिम्मेदारियाँ कठिनाइयाँ यहाँ पर इस इसमें स्लो डाउन बिकने में परेशानियाँ ये आएंगी और ये आपको भी आ रही ठीक फोर्टी से परेशानियों को आपका सामना करना पड़ रहा है बर्डन आ रहे हैं फॉर्मेट चेंज कर दिया है आपने ठीक अब मैं आपकी लाइफ में आगे चला मैंने कहा कि फिफ्टी सेवन से लेकर यहाँ दिक्कत आएगी फिर फिफ्टी फाइव तक मेजर दिक्कत आएगी इसके बाद कम दिखते हैं लेकिन फिफ्टी एट तक दिक्कत है ये जो भी प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो उसमें कुछ ना कुछ परेशानियाँ आती रहेंगी ये इंडिकेशंस जब ये स्लो डाउन आती है ना ये स्लो डाउन चल रही है टूट रही हैं लेकिन इसकी कनेक्टिविटी बढ़ी है ये टूटा हुआ है ये टूटा हुआ है तो इन सब की कैलकुलेशन मैंने करके बताया कि यहाँ रेखाएँ नीचे की तरफ चल रही हैं ये चल रही हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा और थोड़ा सा साठ साल के बाद जो है अपनी सेहत का भी ध्यान देना वो भी दिक्कत दे रही है क्योंकि ये रेखा है यहाँ पर जो है वो आपकी सेहत की और भी इंडिकेशन दे रही है ये चीज़ समझ आ गई जी आ गई अब हम कहाँ तक पहुँच गए हम पहुँच गए आपकी लाइफ में फिफ्टी एट अब मैंने कहा सिक्सटी तक जो है लैंड से रिलेटेड चीज़ें ठीक है जो फिफ्टी टू वाला काम था वो जो पैरल चल रहा है चलता रहेगा उसकी कोई दिक्कत नहीं है अब यहीं से फिर मैंने आपको बता ही दिया कि सिक्स दो पैरल काम करने सिक्स फाइव सिक्सटी सेवन तक सिक्सटी एट में दिक्कत और फिर सेवेंटी से एक काम शुरू करोगे यहां पर कोई काम आपने कोई इन्वेस्टमेंट ऐसे पैरल शुरू मत कर देना नए प्रोजेक्ट शुरू मत कर देना अगर करना भी हो कम पैसों से करना क्यों क्योंकि लिंगर होने होंगे और फिर वो लटकते रहेंगे ठीक है यहाँ तक सेवेंटी थ्री तक ठीक चलेगा उसके बाद तो स्लो डाउन बिल्कुल ही हो रहा है ठीक ये है आपके हाथ का विश्लेषण और उम्र आपकी बड़ी है कोई कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं लेकिन बीच के टाइम पर साठ से लेकर पैंसठ साल तक जो है थोड़ा सा आपका जो है तबीयत खराब होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं ठीक है तो ये ऐसे एडवांस पामिस्ट्री को अगर पकड़ोगे ना तब समझ आएगी कि भैया इन रेखाओं का मतलब क्या है ये जो ये जो जो बनी हुई चीज़ें हैं ना ये काइट बनी हैं ये बनी हैं ये कब से एक्टिवेट हो रही हैं फिर आप यहाँ से आओ और यहाँ से सारी कैलकुलेशन अरे एक, एक रेखा को टेस्ट कर कर ये इनकी कैलकुलेशंस कैसे होती है वीडियो लंबा बनेगा नहीं तो मैं बताता आपको पर आपका मतलब क्या आम खाओ गुटलियों से थोड़ा गिनना है जिसका हाथ है उसके बारे में तो मैंने आपको आपको बता ही दिया कि आपका सेवनटी सेवन तक का ईयर बता दिया अब इसमें आ, क्या देखोगे आप इन चीज़ों को ये तो मेरा काम है कि हाँ मैंने चेक करके बता दिया कि कौन सी रेखाएँ क्या है क्या नहीं आपका बुढ़ापा सही है कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा सा फंसाने वाले लोग बैठे हैं और जो केस से रिलेटेड चीज़ों पर उस पर आपने ध्यान देना है जिस जिस एरिया पर मैंने बोला है दिखते आएंगी वहाँ तक आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि ये रेखाएँ एक्चुअल में जहाँ तक ये इसका कलर जो है ना ये डार्क चलता है ना वहाँ तक ज़्यादा होता है उसके बाद ये चल रही है पर लेकिन इतना घबराने की जरूरत नहीं है यस yes, ये एक सही चिन्ह बना हुआ है एक तरक्की का चिन्ह बना हुआ है इन चिन्हों को देखो और इन रेखाओं को देखो अरे जितना मर्जी परेशान कर ले कोई ये चिन्ह बना रहे हैं हैं अरे दिक्कत देंगे लेकिन आपको ये है पामिस्ट्री पामिस्ट्री इसे कहते एडवांस ठीक है एनी anyway, कौन सा उपाय आप करें मैं तो वही कहूंगा राहु राहु का उपाय करना पड़ेगा रीजन क्या है क्योंकि जो जब केस में परेशानी देना केस में वैसे परेशानी शनि देता है पता है आपको जिसके पीछे केस पड़ते हैं ना वो शनि उसको तंग करता है लेकिन मैं राहु इसलिए कह रहा हूं क्यों? शनि को टेस्ट कर लिया है शनि इतना नहीं है इसमें कोई चिन्ह ऐसा नहीं मिला मुझे कि जो ज्यादा दिक्कत दे देखो ये रेखाएं भी देखो ध्यान से समझना ये रेखाएं जा कहां रही हैं ये इधर ही जा रही है लेकिन मैं तब भी नहीं शनि का दे रहा नहीं दे रहा राहू कर दूंगा मुझे पता है कुछ ना कोई अड़चन डाल रहा है शनि है ही नहीं कमजोर नहीं है ये अड़चन डालने वाला है और अड़चन के लिए राहु का उपाय करना ही पड़ेगा ठीक है तो एनी anyway, ये पूर्व पुण्य रेखा और ये रेखा वो रेखा आपको आ, ये इनके हाथ में कहाँ है पर लेकिन लैंड है सब कुछ है कहाँ गए वो वो चैनल कहां गया क्या यार क्या बताते हैं एनी anyway, ठीक है तो इसका उपाय आप ले लीजिएगा और एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा कमेंट्स शुरू कीजिएगा धन्यवाद और प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा इस बारी कि क्या आपने ऐसे वीडियोस ऐसे चैनल देखे हैं जो इस तरीके की चीज़ें बताते हैं नहीं देखे होंगे अगर देखें प्लीज़ कमेंट्स शुरू कीजिएगा धन्यवाद